रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जनपद के कुल 61 केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न हुई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, जो परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे। एडीएम सिटी ने बताया कि 28,600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थी सर्वेश कुमार पांडे, विपिन कुमार, विनीता सिंह, अल्पना सिंह, निर्भय नारायण तथा एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा विपिन कुमार आज समीक्षा अधिकारी के पद पर किस तरह का क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया था, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और पेपर अच्छा था, ठीक था पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा टफ था, 10-15 क्वेश्चन टफ था, बाकी सब आसान था। सर्वेश कुमार पाठक, समीक्षा अधिकारी आरओ। कैसा पेपर गया था? अच्छा हुआ। किस तरह का क्वेश्चन आया था? नॉर्मल था। विनीता सिंह आरओ। आरओ किस तरह का क्वेश्चन आया था? किस तरह का क्वेश्चन आया था? ठीक ठीक क्वेश्चन। टोटल कितने कैसा पेपर गया था? पेपर ठीक है, 140 क्वेश्चन थे। कैसा पेपर गया था? ठीक है। मेरा नाम निर्भय नारायण है। ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर था। पेपर तो अच्छा था, टफ था, ठीक ठाक था, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन इतिहास का जो सेक्शन था वो इतिहास से तो ऐसा लग रहा था कि इतिहास विशेषज्ञ बनाना चाह रहे थे। परीक्षा का लेवल हाई था और कठिन भी था, कुल मिला जुला करके ठीक रहा। आप पेपर दिए? हाँ, पेपर दे के आ ही रहे हैं, पेपर अच्छा गया मेरा तो। अल्पना सिंह, समीक्षा अधिकारी। कैसा पेपर गया आपका? अच्छा गया। कितने पेपर? बहुत अच्छा आया था, 120 क्वेश्चन गया। कैसा पेपर आया आपका? अच्छा था। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा गोरखपुर जनपद में कुल 61 परीक्षा केंद्रों पर संचालित हो रही है। इसमें प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होनी है। इसको लेकर हमारे यहाँ कुल सभी केंद्रों पर स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और इसके अलावा 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि परीक्षा को सफलता संपन्न कराने में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी तक कुल प्रथम पाली में 15,994 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और 28,600 बच्चों को उपस्थित होना था, तो बाकी सभी बच्चे उपस्थित हैं इस परीक्षा में।